भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का खजाना मिला है। ये देश में मिला लिथियम का पहला भंडार है जिसका बहुत जल्द खनन होगा। टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में लिथियम की बैटरी का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है और यही कारण है कि लिथियम की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। अन्य बैटरियों की तुलना में लिथियम बैटरी की उम्र लंबी होती है। लिथियम बैटरियों के दम पर ही इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज बढ़ाने में मदद मिली है और लिथियम बैटरियों से एक चार्ज पर कई दिन चलते रहने वाले मोबाइल फोन बन पाए हैं। जम्मू कश्मीर में लिथियम का मिलना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल सकती है क्योंकि दुनिया भर में लिथियम की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। रियासी में दरिया चिनाब किनारे सलाल में लिथियम का भंडार मिलने के बाद जम्मू कश्मीर का भू विज्ञान व खनन लिथियम का खनन शुरू करेगा जिसके बाद इसकी नीलामी की जाएगी। विभाग के निदेशक ओपी भगत के अनुसार दो जगहों पर लिथियम का भंडार मिला है जिनमें से 59 लाख टन लिथियम निकलने की संभावना है। भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण की ओर से औपचारिक रूप से ये भंडार उनके सुपुर्द किए जाएंगे जिसके बाद विभाग खनन प्रक्रिया शुरू करेगा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं इसी पंचायत का नायब सरपंच भी हूँ। सलाल कोडली में हमारी कोडली नाम है, सलाल पंचायत जो है हमारी कोडली है। ये 2 साल पहले अभी 3-4 महीने हुए जो चले गए हैं अपना ये पूरा टेस्टिंग वगैरह करके जो चले गए हैं। इन्होंने रोड से जो अपनी मशीनरी जो ड्रिलिंग सिस्टम लाते थे जो पूरा मशीन के साथ खींच के जो इधर लाते थे, ये पॉइंट ये देख रहे हैं आप, इसमें इन्होंने ये कम से कम 100 के करीब इन्होंने ये पॉइंट दिए हैं जो 5.9 मिलियन टन जो इसमें जो लिथियम निकलना है इसका पूरा इन्होंने 2 साल तक सर्वे करते रहे। हमारे पास ही रुके थे ये 2 साल, इन्होंने पूरा इसका सर्वे करके वो लखनऊ में भेजा। लखनऊ से पास होके कल ही जो आपको खुशखबरी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए खुशखबरी, सलाल के लोगों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, मुबारकबाद है कि ये हमारा रोजगार का एक नया सुनहरा मौका है। मेरे को कल देखने को मिला कि शाम को टीवी चैनलों में, टीवी में मेरे को देखने को मिला कि मैंने बोला सलाल हिमना का नाम, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने भी इसको ट्वीट किया, तो बड़ा हम सलाल के लोग बड़े ही खुश किस्मत हैं कि सलाल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया। और ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, मिलियन के हिसाब से है, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है, ये हमारे लिए भाग्य खुला है कि ये हमारा सलाल चमकेगा एक दिन। जो हमारे सलाल के बेरोजगार लोग हैं वो लोग कोई भी घर बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। हम मोदी सरकार का तह दिल से धन्यवाद करते हैं कि यो जहाँ पे इतना बड़ा यो लिथियम का, ये लिथियम जो हमें पहले बाहर से मिलता था, ऑस्ट्रेलिया चीन से लाया जाता था, अब ये हमारे हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के सलाल इलाके से पाया जाएगा, ये इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती।